Hey guys, Beast बीस्ट from फ्रॉम गीक and एंड लेट्स दिस week's न्यूज सो लेट्स let's स्टार्ट सो So AMD ने इंडिया के लिए अपने जो ऑफिशियल प्राइसिंग है वो रिलीज कर दी है सो so जो राइज़न फाइव है वो फिफ्टी सिक्स हंड्रेड एक्स जो है वो ट्वेंटी थ्री थाउजेंड रुपीज़ का इंडिया में रिलीज हुआ है और जो राइज सेवन फिफ्टी एट हंड्रेड एक्स है वो थर्टी फ़ाइव थाउजेंड रुपीज़ के लिए इंडिया में रिलीज़ हुआ है और जो रॉजन नाइन फिफ्टी नाइन हंड्रेड एक्स है वो फोर्टी टू थाउजेंड रुपीज़ के रिलीज़ हुआ है और जो बेसिकली इनका टॉप टीयर टॉप टॉप टीयर परफॉर्मिंग प्रोसेसर है जो रॉजन नाइन फिफ्टी नाइन फिफ्टी एक्स है वो सिक्सटी वन थाउजेंड रुपीज़ के लिए जो है वो रिलीज़ हुआ है सो दैट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सी पी यू बाकी जैसे कि रईजन फाइव थाउजेंड सीरीज़ के जितने भी रिव्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट सारे आ चुके हैं एंड इन दैट रिव्यू जो है जो राइज़न फाइव इवन तक जो उनका लोएस्ट एंड प्रोसेसर है सिक्सटी फाइव वॉट टी डी पी वाला सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस में वो आई नाइन जो है इट इज़ ब्लोइंग आउट द आई नाइन इन टर्म्स ऑफ सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस तो मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी जो है ए एम डी ने लीप ली है इन टर्म्स ऑफ सी पी ओ परफॉर्मेंस जैसे कि उनका जैन आर्किटेक्चर जो है उन्होंने रिफ्रेश किया है इस इन नई सीरीज के लिए सो आई रियली थिंक सो कि जो नया इंटेल uh, अपने लाने वाले सी पी यू इट बेटर भी परफॉर्मिंग वेल बिकॉज अगर जितनी परफॉर्मेंस ये शो कर रहे हैं एक जनरेशनल की इम्प्रूवमेंट में अगर इंटेल इतनी भी अगर इम्प्रूवमेंट लाती है इतना गैप भी लाती है सो आई डोंट थिंक सो कि आउट परफॉर्म कर पाएगी इंटेल इन टर्म्स ऑफ मल्टी थ्रेडेड टास्क में तो नहीं कर पाएगी बट सिंगल थ्रेडेड में देखते हैं कि क्या होता है सो लेट सी वट है इन द न्यू फ्यूचर एंड एप्पल इज़ ऑल्सो हैविंग देर इवेंट तो दस नवम्बर को ऐपल का इवेंट है सो so, बाकी जैसे कि ऑलमोस्ट देर आर रूमर्स एंड इट इज़ प्रॉबली वट इज़ गोइंग टू हैपन की एप्पल ने अपने जो नए मैक्स हैं बेसिकली एपल ने अपने आम बेस्ड मैक जो हैं वो रिलीज़ करने हैं सो लेट सी इट इज़ नॉट कंफर्म बाई एपल बट जितने भी स्पेकुलेशन और जितने भी रूमर्स आउट हैं वो उनके हिसाब से यही है कि मैक जो हैं वो नए रिलीज होने वाले हैं जो आर्म बेस्ड होंगे

बिकॉज वो आम 64 फो आर्किटेक्चर पर होंगे बट अभी जो हम ऐप्स यूज़ कर रहे हैं वो x86 जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट यूज़ करते हैं बेसिकली जो प्रोसेसर और ए एम डी यूज़ करते हैं वो x86 होते हैं सो इन टर्म्स ऑफ दैट की एम्यूलेशन uh, जो है बेसिकली उन सो so एक बीच में एक मिडल में जो है एक एम्यूलेटर जो है वो वर्क करेगा सो बेसिकली उस एम्यूलेशन uh, की जो परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करता है कि जो नए आने वाले आर्म सी पी यूज़ पर बेस्ड जो मैक्स होंगे वो कितने अच्छा परफॉर्म करते हैं सो लेट सी वट हैपन्स बेसिकली एप्पल जो है कभी भी इनोवेशन uh, के मामले में जब भी uh, बात आती है जैसे कि ओलेट स्क्रीन या टॉलर एस्पेक्ट रेशो या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स या फाइव जी जो भी है इन टर्म्स ऑफ दैट वो तभी ट्राई करता है जब वो बिल्कुल जो मार्केट है उसमें अच्छी तरह से रिलीज हो जाता है बट एप्पल यहाँ नया फर्स्ट स्टेप उठा रहा है सो इट इज़ रियली गुड और अगर एप्पल ये रिलीज़ करेगा सो so, इट इज़ मोस्ट प्रॉब्बली कि सारी इंडस्ट्री जो है उसके फुट स्टेप्स पर चलेगी और आम बेस्ड जो नए सी पी यूज हैं और पीसीज हैं वो हमें देखने को मिलेंगे तो भाई व्हाट्सएप ने अपना न्यू यू पी आई बेस्ड पेमेंट मैथड जो है वो शुरू कर दिया है इन टर्म्स ऑफ इंडिया और एक डिसअपेयरिंग मैसेजे भी उन्होंने शुरू कर दी जो सेवन डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली डिसपेयर हो जाएंगे सो इट इज़ अ न्यू फीचर दैट आर बींग रिलीज टू द वाइड इन द पब्लिक एंड अ फनी न्यूज़ गाइड गेट हब का जो सोर्स कोड है वो गेट हब पे ही किसी ने लीक करके रिवील कर दिया सो एक्चुअली गेट हब इज़ ऑलमोस्ट एज इट इज़ जो वेबसाइट है वो भी ओपन सोर्स है एंड एन विडिया के जो रूमर कार्ड्स हैं थर्टी सिक्सटी टी आई या थर्टी फिफ्टी टी आई ये काफ़ी जो है रूमर्स में घूम रहे हैं एंड इन सऊदी अरेबिया लिस्टिंग्स भी उसकी आ गई हैं सो इट इज़ अ वेरी आई थिंक सो वेरी गुड कार्ड इट इज़ गोइंग टू बुड कार्ड अगर वो बट इंटरनली जैसे कि बता रहे हैं कि एन वीडिया का जो थर्टी सिक्सटी लॉन्च था वो उन्होंने टू वीक्स और आगे है पुश कर दिया सो आई थिंक सो अब जो इस ईयर का एंड आने वाला है सो आई डोंट थिंक सो कि अब वो कार्ड रिलीज़ कर पाएंगे सो आई थिंक सो फर्स्ट क्वार्टर या जनवरी की स्टार्टिंग में न्यू ईयर के टाइम जो है एनवीडिया रिलीज़ कर पाएगा अपने कार्ड सो लेट सी वट हैपन्स दीज जो ये कार्ड्स हैं जो थर्टी सिक्सटी और थर्टी फिफ्टी टी आई जो कार्ड्स हैं रिस्पेक्टिवली Uh, ये बेसिकली uh, जो लो एंड गेमर्स और बजट गेमर्स हैं उनके लिए हैं सो लेट्स सी कैसी परफॉर्मेंस हमें मिलती है और कब रिलीज़ होते हैं एंड अनदर ग्रेट न्यूज़ बाय एन वीडिया स्पेशली फॉर इंडिया बिकॉज जितने भी उनके फाउंडर्स एडिशन कार्ड हैं उनके सबके प्राइजेज जो हैं वो एन वीडिया ने uh, काफ़ी कम कर दिए हैं सो so, जो थर्टी नाइन्टी जो था वो वन लैक फिफ्टी टू थाउजेंड रुपीज़ के लिए पहले सेल हो रहा था बट नाउ जो है उसके प्राइस जो उन्होंने काफ़ी ट्वेंटी थाउजेंड ऑलमोस्ट का डिस्काउंट करके अब थर्टी वन लैख थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ का जो है वो सेल हो रहा है और जो थर्टी एटी है वो पहले जो है सेवेंटी वन थाउजेंड रुपीज़ का था बट अब जो है वो सिक्सटी टू थाउजेंड रुपीज़ का जो है वो uh, सेल हो रहा है एंड द बिगेस्ट न्यूज़ की जो बेसिकली uh, हमारे जो मोस्ट uh, सेलिंग जो कार्ड होने वाला है वो आई थिंक सो दिस विल बी दर्टी सेवेंटी बिकॉज ये फिफ्टी वन थाउजेंड रुपीज़ का रिलीज़ होता है जैसे कि मैंने प्रीवियस टेक टेक न्यूज़ के एपिसोड में बताया था बट अब जो इसका प्राइस है वो फाइव था सिक्स थाउजेंड रुपीज़ जो है सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ ड्रॉप डाउन होके फोटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ का आ गया सो so सोकाइज ये फाउंडर्स एडिशन कार्ड है बेसिकली ये बेसिकली एक्सपेंसिव ही होते हैं बट uh, जैसे कि अब ये फाउंडर्स एडिशन कार्ड अगर फोर्टी फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ का है सो इट इज़ क्वाइट इमेजिनेबल कि अगर थोड़े टाइम बाद जो ये फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ के अराउंड जो ये कार्ड बिक रहा है अगर जैसे कि पार्टनर जो कार्ड जाते हैं जैसे इन के आसूस या जो के तरफ से सो so अगर uh, अगर वो कार्ड्स हमें अगर अराउंड फोटी फोर्टी टू थाउजेंड के अराउंड मिलता है सो इट विल बी अ स्टेलर डील बिकॉज फोर्टीन फोटी पी पे जो एफ पी एस ये कार्ड पुश कर रहा है

टीवी पे जो है वो कास्ट कर सकते हैं वॉज अ वेरी चीप रिलेटिवली चीप था जैसे कि क्रोम कास्ट अल्ट्रा काफ़ी एक्सपेंसिव था बट उससे भी चीप प्राइस में वो था जिसमें एंड्रॉयड सर्टिफाइड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता था और आई थिंक सो टू जी बी रैम एंड सिक्सटीन जी बी इंटरनल के साथ आता था वो और उसमें यू एस बी एक्सपेंशन भी थी सो इट वॉज अ वेरी गुड एंड्रॉड एंड्रॉयड बॉक्स और प्राइसिंग uh, भी उसकी ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं थी इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली थर्टी फाइव था थर्टी फाइव हंड्रेड से लेके कर फोर थाउजेंड रुपीज़ के बीच में उसका प्राइस प्राइस रेंज था सो इट वाज अ वेरी गुड एंड्रॉयड बॉक्स बट एम आई ने उसको रिफ्रेश करके उसका फोर एस प्रो जो है उन्होंने नया रिलीज़ किया बेसिकली है वो सेम फॉर्म फैक्टर और सेम ही साइज़ में है और स्पैक्स भी काफ़ी चेंज नहीं हुए हैं इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज एंड रैम टू जी बी रैम और सिक्सटीन जी बी इंटरनल है बट आई थिंक सो द सी पी ओ एंड जी पी ओ इज़ अपग्रेडेड क्योंकि अब वो एट के वीडियो प्लेबैक भी सपोर्ट करता है सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट डिवाइस और आई थिंक सो कि अगर प्राइसिंग अगर उसके ठीक रहते हैं सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड सेलर बट अब जैसे कि नए टी वीज जो हैं वो एंड्रॉयड बेस्ड ही आ रहे हैं सो आई थिंक सो कि ये मार्केट जो है वो काफ़ी डेमिनिश होने वाली है इन द कमिंग टाइम सो अनदर न्यूज़ अबाउट कंप्यूटिंग ऑन आम बिकॉज आम ने जो है अपना नया एक कोर का डिज़ाइन जो है वो रिलीज कर दिया सो so बेसिकली जैसे कि आ, ये मेरे पास फोन है इसमें 845 है सो so इसमें आम कॉटेक्स ए और ए जो कोर्स हैं वो यूज़ हुए हैं सो so जो ए है वो पावर वो पावरफुल कोर्स हैं और जो ए है वो पावर एफिशिएंट कोर्स है सेम लाइक दिस 855 इसमें जो है चार पावरफुल कोर्स हैं जो एवंटी पे बेस्ड आर्किटेक्चर बेस्ड है और बाकी जो कोर्स हैं वो ए पे बेस्ड है बट uh, जो अब नया लेटेस्ट जैसे कि अब प्रोसेसर आने वाला है एट सेवेंटी फाइव या जो भी क्वालकॉम की तरफ से आएगा और होपफुली एक्सिनोस भी जो आएगा वो इस वो नए कोर डिज़ाइन के साथ आएगा जो ए सेवेंटी एट कोर होगा बट जो इन्होंने नया ए सेवेंटी एट सी निकाला है इसमें जो ये बिग लिटल टेक्नोलॉजी है कि आप पावर एफिशिएंट कोर से पावरफुल कोर्स में ट्रांजेक्शन कर सकते हो वो नहीं होगा बट उसमें सिर्फ आप हेक्सा कोर या एट कोर का प्रोसेसर uh, बना सकते हो जो कि सिर्फ ए सेवेंटी एट सी कोर्स के साथ ही होगा बिकॉज दीज आर सो पावरफुल कोर्स तो ये बेसिकली कंप्यूटर्स और जो आपकी ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक वगैरह है उसमें यूज होने वाला है और uh, जैसे कि आपने बताया कि ये जो प्रोसेसर है ये सिक्स और एट कोर्स की कन्फिग्रेशन में आएगा और इसमें एल थ्री कैश जो होगी वो अप टू एट मेगाबाइट्स होगी इफ़ यू नो समथिंग अबाउट मोबाइल चिप्स बिकॉज इनमें जो कैश है वो रियली इन टर्म्स ऑफ अगर आप कंपेयर करते हैं कंप्यूटर के प्रोसेसर से काफ़ी कम होती है थ्री मेगाबाइट्स टू सिक्स मेगाबाइट मैक्सिमम एल थ्री कैश होती है सो इन टर्म्स ऑफ दैट आठ मेगाबाइट की कैश काफ़ी अच्छी होने वाली है और जैसे कि आम के सी पी यूज़ काफ़ी पावर एफिशियंट होते हैं सो गाइज दिस विल बी अ क्वाइट पावर एफिशेंट सी पी यू और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भी आम ने इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया है कि जो ये काफ़ी जो है सिक्योर होने वाला है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी बिकॉज उन्होंने सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो उन्होंने ऐड की है और इसमें जो है मल्टी थ्रेडेड वर्कलोड्स के लिए उन्होंने स्पेशली काफ़ी uh, उन्होंने स्ट्रेस किया कि मल्टी मल्टी कोर वर्कलोड्स में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म होने वाला है सो लेट्स सी आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सी पी यू की अगर कौन इसे इंप्लाई करके जो है यूज़ करता है सो इट विल बी अ क्वाइट इंटरेस्टिंग सी बिकॉज इस सी में अगर आठ कोर भी होते हैं तो बेसिकली आई थिंक सो वन सिंगल फैन जो कि जैसे कि मेरा आई थ्री लैपटॉप है इसका जो फैन है ये काफ़ी रैम्प अप हो जाता है इन सम लोड्स आई डोंट थिंक सो कि इतना हमें जो है हीट uh, जनरेट कर पाएगा सी पी यू बिकॉज बेसिकली ये मोबाइल सी पी यू के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है सो इट विल बी अ क्वाइट पावर एफिशियट वन और कूलिंग इसे करना वो काफ़ी आसान होगा And it is very power efficient, so battery life is very good So I really am looking forward to using a computer which is ARM-based. So let's see what happens in the near future. So, guys, this wraps up this week's tech news. If you want this video, so please make sure to like this video. And if you need more tech news, why not subscribe to my channel? I post this video every week so am I band 5? I am using it right now. Uh, I am going to post a सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो ऑफ दिस होप कल तक जो है वो मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा सो गाईजटिल नेक्स्ट टाइम थैंक यू फॉर वॉचिंग